हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल याली अल इस्लाम मदद। मैं किरण खान। गाइस, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, इट्स अफोर्डेबल परफ्यूम्स, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, बस इस तरह के हैं कि आप उसे बाय कर सकते हैं, और उसकी फ्रेगनेंस जब आप उसको बाय करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, बिकॉज आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनासिब रेंज में और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस वाले परफ्यूम्स का मैं आपके साथ आज रिव्यू शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स इसकी खुशबू तो आप तक मैं नहीं पहुँचा सकती, बिकॉज ये कैमरा, इसके ज़रिए मैं आप तक खुशबू तो नहीं पहुँचा सकती, लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि ये किरण ने जो हमें परफ्यूम्स बताए हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो हम जो पहले परफ्यूम की गाइस बात करेंगे वो देख सकते हैं आप, ये है मार्क्यूस। ये गाइस तकरीबन 1500 से 1600 की रेंज में है, और जब आप इसे यूज करेंगे आप यकीन करेंगे, ऐसे लगता है जैसे सऊदीया से आए हुए इतर होते हैं ना, इस तरह की इसकी फ्रेगनेंस है। और आप जब इसे बाय करेंगे, इसका ढक्कन वक्कन नहीं मिल रहा, और देख सकते हैं आप ये न्यू ही है, मैंने बहुत ज़रा सा यूज़ किया है, ये मेरी मानो बिल्ली है, वो खेलती रहती है, वो इधर उधर फेंक देती है, लेकिन जब आप इसे बाय करेंगे, इसका जो पैकिंग है ना एवरीवन, आप यकीन करें आप उसके फ़ैन हो जाएंगे। जब आप किसी को गिफ्ट देंगे ना, तो एक दफ़ा वो बंदा ज़रूर सोचेगा कि पता नहीं ये कितना एक्सपेंसिव परफ्यूम है, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। आपको उसको गिफ्ट की कीमत तो वैसे भी नहीं बताई जाती, तो ये एज अ गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत अच्छा परफ्यूम था। इट्स मार्क्यूस, आप एक दफ़ा फिर देख लें। और इसकी पैकिंग रेड कलर का वेलवेट का इसका बॉक्स है, मैंने फेंक दिया है, तो मुझे पता नहीं था मैं इसके रिव्यू शेयर करूँगी, इसलिए मैंने संभाला नहीं, लेकिन आप जब दुकान पर जाएंगे इसकी पैकिंग पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना परफेक्ट है। सेकेंड परफ्यूम इज छूप, ये हुमैन का है, आप देख सकते हैं ये मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये जब मैंने लिया था तकरीबन 4000 या 4500 का, 4000 से 4500 की रेंज में था, लेकिन जो अब दौर है, इमरान खान साहब आ गए हैं, तो दिल्ली आ गई है, तो अब ऑफकोर्स इसकी प्राइस ज़रूर बढ़े होंगे, तो अब ये तकरीबन कम से कम 6 से 7000 का होगा, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस बड़े महंगे आला और जबरदस्त परफ्यूम जैसे चैनल 5 शिनाइल, इस तरह के एक्सपेंसिव परफ्यूम अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम किस तरह के परफ्यूम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं वो ख़रीद सकते तो आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक दफ़ा इस तरह की चीज़ ले लें, बहुत एक्सपेंसिव 15-16000 तक का तो नहीं अगर आप बाय कर सकते तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसकी फ्रेगनेंस भी जब आप लगाएंगे, आप ख़रीदेंगे, और मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि जो परफ्यूम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनका रिव्यू, और उनकी फ्रेगनेंस कैसी है, और आप क्या सेटिस्फाई हैं या नहीं। थर्ड परफ्यूम इज़ रंबा, आई होप इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और बदकिस्मती से इसका कवर संभाला हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पैकिंग है, और इस तरह का इसका, ये देखें, ये काफ़ी टाइट ढक्कन है, ये देख सकते हैं आप, बच्चे वगैरह के हाथ में भी दे तो ये नहीं फेंक सकता कोई। अच्छा गाइस, इसकी एक पहचान है, ये आजकल बहुत फेक मिल रहा है, जो लाइटर कलर है ना, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट सा शेड है, ठीक है, ये ओरिजिनल रब है, और जो बहुत डार्क शेड में होगा वो कभी बाय मत कीजिएगा, वो दो नंबर होता है, वो कभी भी एक नंबर नहीं होता। जो ओरिजिनल रंबा होता है उसका कलर बहुत इस तरह का, बल्कि मुझे ये भी थोड़ा डार्क लग रहा है, इससे भी थोड़ा लाइट होता है। और इसके प्राइस हैं गाइस, ये देखें, ये 1600 का मैंने ख़रीदा था बहुत अर्सा पहले, अब इसके जो लेटेस्ट प्राइस हैं वो मुझे मालूम है, इसके लेटेस्ट प्राइस है मेरे ख्याल में 2100 या 2300 की रेंज में है, और ये काफ़ी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अर्सा चलती है ये, तकरीबन है जी, इस पर मेंशन हुई होगी लाजमी, अभी तो नहीं नज़र आ रहा इसकी क्या क्वांटिटी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मटेरियल है, ठीक है, और ये मेड इन फ्रांस है, और ये काफ़ी अर्सा चलता है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है जिसे मैं बहुत बाय करती हूँ, और जब आप बाय करेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। फोर्थ परफ्यूम इज गाइस, ये देखें इसके हाल, देखें आप इसका ये जो पिचक गया है ये परफ्यूम्स में नीचे पड़ा हुआ था,
आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, इट्स वन मैन शो। ये देखिए आजा भाई भाई राजा लड़ा पड़ा है मेरे साथ। ये देखिए भाई ये इसकी पैकिंग है। इसके प्राइस जब मैंने लिया था ये 1100 का था, अब ये तकरीबन 1500 से 1600 की रेंज में जा चुका होगा, हो सकता है शायद 1700-1800 का भी हो गया हो। लेकिन जब आप इसे बाय करेंगे, वैसे ये मेंस का है, ये वुमेन्स का नहीं है, बिकॉज ये बहुत बहुत हाई और बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ खुशबू है, जो पता चलता है अगर हम कहीं से गुजरते भी हैं तो कोई कहता है आपने वन मैन शो लगाया। जो वन मैन शो लगाते हैं, वन मैन शो के लवर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि वन मैन शो आपने यूज़ किया। इवन कि मैं रंबा लगाती हूँ तो जो लोग लगाते हैं वो मुझे फ़ौरन कह देते हैं रंबा लगाया ना आपने। इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़बरदस्त है, ये मैंस के लिए परफेक्ट है और ये भी मैन के लिए परफेक्ट है। लेकिन आजकल मैन और वुमेन दोनों ही लगा रही हैं, तो आप इसे बाय कीजिएगा। ये रंबा, ये जो थोड़ी नॉर्मल रेंज में मार्कियस, और जो हमारा अगला है ये देख सकते हैं आप, इट्स टैग हिम। इसका भी ढक्कन खो गया है, इसकी भी पैकिंग बहुत लाजवाब है, सिल्वर स्टील का जैसा इसका ये है, बिल्कुल इसी तरह का इसका जो ढक्कन था वो था। और ये भी बहुत नाइस परफ्यूम है, ये तकरीबन रंबा की रेंज में है और वन मैन शो के दरमियान में ये होगा, तकरीबन 1300-1400 से ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे यकीन है। और इसका नाम है इट्स टैग हिम। इसके ऊपर इसका वो लगा हुआ था, स्टील का पाउच था, मेरे ख्याल में वो ढक्कन के साथ उतर गया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये भी बहुत अफोर्डेबल और बहुत परफेक्ट परफ्यूम है। काश मैं आप तक इनकी फ्रेगनेंस पहुंचा सकती तो मैं ज़रूर आप तक इनकी फ्रेगनेंस भी पहुंचाती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। इसके लिए आपको इन्हें ख़रीदना पड़ेगा, इन्हें बाय करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह गया। और इसकी खुशबू भी काफ़ी तेज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा, और सांसों में मतलब फील होता है कि आपने परफ्यूम्स लगाए। अब जहाँ इतने सारे तेज़ परफ्यूम्स की बात की, तो एक मीठे नन्हे मुन्ने परफ्यूम की बात की जाए जो स्पेशल लेडीज़ के लिए। ये देखें गाइस, इट्स सी फ्लोरा, ठीक है। इसका इतना खूबसूरत ढक्कन था, इसका बिल्कुल फूल बना हुआ है और बहुत प्यारा ढक्कन है, इस तरह वाइट कलर का ढक्कन है और पूरा इस तरह फ्लावर बना हुआ है। वो भी मेरी मानो बिल्ली ने सब कुछ घुमा घुमा दिया, लेकिन मुझे लगा फिर भी मुझे आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करने चाहिए। तो इसको जब आप बाय करेंगे, ये ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, ये है तो छोटू सा लेकिन ये काम बड़े 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 करता है। इसकी खुशबू बहुत नाइस है जब आप इसको यूज़ करेंगे। और आई फॉर गॉड, बिल्कुल ही मैं भूल चुकी हूँ इसके प्राइस, लेकिन ये भी तकरीबन 1200-1300 की रेंज में ही होगा, तकरीबन इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका बॉडी स्प्रे आप देख सकते हैं, ये देखें सी फ्लोरा नहीं है, सी फ्लोरी है। ये देखें, ये इस तरह की पैकेजिंग में इसका बॉडी स्प्रे और ये इसका नन्ना मुन्ना सा परफ्यूम है, ठीक है। बॉडी स्प्रे पे इसके देखें स्पेशल ऑफर थी, 100 ml फ्री था, तो मैंने ये बाय किया। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये परफ्यूम है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे बॉडी स्प्रे का रिव्यू भी ज़रूर शेयर करूंगी, आपको अवेयरनेस दूंगी कि कौन सा बॉडी स्प्रे हमें बाय करना चाहिए और कौन सा बॉडी स्प्रे हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो ये वाला और रंबा, ये दो, और एक ये टैग हिम, ये ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनकी फ्रेगनेंस बहुत हाई नहीं है। वन मैन शो झूप और मार्कियस जो हैं एवरीवन, ये थोड़ा जेंट्स के लिए होते हैं लेकिन लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आपके साथ परफ्यूम्स के रिव्यू शेयर किए, आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह और नई अच्छी अच्छी यूनिक्स वीडियो लेके आएंगे और आपके साथ उनके रिव्यू शेयर करते रहेंगे। जो कुछ आपने पूछना है गाइज, आप वो मुझसे मैसेजेस में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी चीज़ का रिव्यू शेयर करने का कहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी वो भी ज़रूर शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।